उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की ओर से अभी से प्रत्याशी घोषित किए जाने की पैरवी की है। हरीश रावत का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को अभी से अपने चेहरे की घोषणा कर देनी चाहिए ताकि प्रत्याशी समय से अपना चुनावी तैयारी कर सके। पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक पार्टी को भविष्य में अपने गठबंधन सहयोगी के प्रति और संजीदगी दिखानी होगी। रावत के बयान के बाद भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का बयान सामने आया। उन्होंने हरीश रावत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन लोकसभा के लिए अपने प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रही है। इस वक्त कांग्रेस के पास ना ही नेता है और ना ही विजन है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भी हरीश रावत का समर्थन किया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये मैं तो ये मानती हूँ कि जब भी चुनाव होते हैं तो जो प्रत्याशी हैं या दावेदार होते हैं उनको सामने आना चाहिए, और क्योंकि वो जनता उनको देखती है किस तरीके का व्यक्तित्व है, किस तरीके के उनके कार्यशैली है, सब चीज़ें जो है वो साफ़ हो जाती है। तो जनता को भी एक उनके माइंड में टारगेट सेट हो जाता है कि कौन से व्यक्तित्व को चुनेंगे। तो निश्चित रूप से सभी लोगों को अपनी दावेदारी समय से करनी चाहिए ताकि वो जनता के बीच में जाके अपने एजेंडे को भी रखे, अपने कार्य किस तरीके से वो करने जा रहे हैं, अपने पूरी योजनाओं को जनता के सामने रखना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशियों को, इकलौते ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश ने, 9 मुख्यमंत्री देखे, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री अपने पद से हटने के बाद प्रदेश के लिए या जनता के लिए कोई मुहिम चलाते हुए या उनके सरोकारों को उठाते हुए नहीं देखा गया, चाहे वो विजय बहुगुणा हो, चाहे वो कोश्यारी जी हों, चाहे इससे पहले वो स्वर्गीय नित्यानंद जी हों, चाहे खंडूरी जी हों, चाहे निशंक जी हों, कोई भी प्रदेश के सरोकारों से अपना पल्ला झाड़ देता है जैसे ही वो पद से मुक्त हो जाता है।